कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रेस वार्ता की। हमारे वाइस चेयरमैन प्रेस मीडिया डिपार्टमेंट के मनीष हिंदवी जी, सुधा जी जो प्रवक्ता हैं, सचिन जी और उपस्थित यहाँ सभी हमारे प्रेस के भाइयों, बहनों, छायाकार और पत्रकार साथी, सबसे पहले मैं आप सबको लोकसभा में शानदार हम सब लोग चुनाव जीते, अच्छा परिणाम आया, आप सबका पूरा सहयोग मिला, इसके लिए आप सबको मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सब लोगों का पूरा भरपूर सहयोग और साथ हम सबको मिला। आज निश्चित तौर से आपने देखा होगा कि पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर उत्तर प्रदेश की चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, जहाँ से 80 लोकसभा आती है, वहाँ पर गठबंधन ने, इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त परिणाम दिए, जबरदस्त परफॉर्मेंस दिए, जिसके नाते आज देश के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश की चर्चा हो रही है। राहुल जी हर जगह, हमारे नेता हर जगह उत्तर प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में बोल रहे हैं। जिस उत्तर प्रदेश पे मोदी जी और उनकी पूरे जो इनका एनडीए, जिसको आज इसकी सरकार ये बनाए हैं, इनको पूरा भरोसा था, जो बार बार अपने भाषणों में बोलते थे 400 पार, 80 में 80, 10 लाख पार, उत्तर प्रदेश ने उसकी हवा निकाल दी, 400 पार की भी हवा निकाल दी, 80 पार की, 80 में 80 की भी हवा निकाल दी और 10 लाख पार, जो बनारस में उन्होंने कहा था कि इस बार का चुनाव 10 लाख पार का होगा, उस 10 लाख पार की भी हवा हमारे काशी के बाबा विश्वनाथ की नगरी के रहने वाले हमारे साथियों ने निकाल दिया। निश्चित तौर से हम सब लोग मिलकर इस उत्तर प्रदेश, इस देश को बनाने में अपना काम कर रहे हैं। मैं तो चुनाव लड़ा, बनारस में आप सबका सहयोग प्यार मिला, अपनी पार्टी ने पूरी ताकत लगाई, मेरे एब्सेंस में पूरी कांग्रेस पार्टी में, कार्यालय में हमारे सभी साथियों ने, सभी लोगों ने, विशेष रूप से हमारी नेता विधानमंडल दल आराधना मिश्रा मोना जी ने, हमारे मीडिया के लोग जो यहाँ पर, मनीष जी और हमारी इनकी पूरी टीम, सीपी राय साहब और पूरे हमारे प्रदेश के जितने पदाधिकारी, प्रदेश के उपाध्यक्ष दिनेश सिंह जो प्रभारी यहाँ के हैं, अनिल, सभी लोगों ने मिलकर, हमारी प्रवक्ताओं ने, सुधा जी ने और सचिन, सभी साथियों ने मिलकर काम किया, जिसका परिणाम बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुखद आया। आज स्थिति चल रही है, इसमें आप देख रहे हैं कि पूरे देश में नौजवान बच्चे हाहाकार मची हुई है, नौजवान बच्चों में जो नेट के माध्यम से एग्जाम दिया था मेडिकल का, पहले आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में ही पर्चे लीक हुआ करते थे, उत्तर प्रदेश में 19 एग्जाम के पर्चे आउट हुए, लीक हुए, पुलिस चाहे वो सिपाही का भर्ती का मामला रहा हो, लाखों लाख बच्चे बेचारे निराश हुए, डिप्रेशन में गए, परेशान हुए, उसके पहले आरओ और 19 एग्जाम्स यहाँ पर लीक हुए। और सबसे बड़ी विडंबना कि उत्तर प्रदेश वो लीक में शामिल था ही, अब देश भी शामिल हो गया है लीक में। नीट की परीक्षा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्था कराती है और पूरी तरीके से वो भी इसमें शामिल हो गए। अब इस देश की जनता, इस देश के नौजवान, हमारे बच्चे, हमारे बच्चियां अब किस पे भरोसा करें? अब उनको भी अपनी बात उठाने के लिए आना पड़ रहा है मीडिया में, आप सबके बीच में जाना पड़ रहा है ताकि उनको भी न्याय मिल सके। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने सरकार और सरकार से जवाब तलब किया है, उनसे जवाब मांगा है। हम सब लोगों ने चुनाव के बाद ये तय किया, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व अविनाश पांडे जी, अभी हम लोगों ने
पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की मीटिंग बुलाई थी 7 तारीख को, उसमें ये तय किया गया कि ये जो भी हम चुनाव जीते और जहां हम चुनाव हारे भी हैं या हमारे गठबंधन के साथी हमारे जीते हैं चुनाव, समाजवादी पार्टी के और हमारे साथी जो जीते हैं, सभी दल के साथ मिलकर आभार यात्रा, धन्यवाद यात्रा हम 11 तारीख से शुरू किए हैं, जिसका आपने देखा होगा कि पहला एग्जाम्पल उदाहरण रायबरेली के अंदर हमारे नेता राहुल जी, प्रियंका जी ने आकर रायबरेली और अमेठी की जनता को धन्यवाद ज्ञापित किया, आभार व्यक्त किया है। शुरुआत हो गई, अब ये लगातार 15 तारीख तक लगातार चलेगी, हो सकता है एक दो दिन आगे भी बढ़ जाए, 16-17 भी हो जाए, और हम सभी 403 विधानसभाओं में सभी इंडिया गठबंधन के दल के लोग मिलकर सबको धन्यवाद और आभार व्यक्त करेंगे और जनता के प्रति जो उनका आशीर्वाद प्यार मिला है उनके प्रति अपनी कृतज्ञता हम ज्ञापित करेंगे और उनका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे और उनके बीच में हम लड़ते रहेंगे। जो भी बुनियादी समस्याएं हैं, आप देखिए फिर महंगाई बढ़ना शुरू हो गई, अभी फिर दाल के दाम फिर बढ़ गए, रहर के दाम, आटा पता चल रहा है कि है नहीं, बाहर से मंगाना पड़ेगा इस देश को, गेहूं बाहर से मंगाने पड़ेंगे, तो ये फिर वही जो जहाँ पर ये बात हम लोगों ने उठाया था, फिर देश उसी रास्ते पे चलता चला जा रहा है, फिर पूरी तरीके से देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी और जो आम जनता की आवाज़ जो थी उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है, पर कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन लगातार मजबूती के साथ अपनी बात उठाएगा और सरकार को मजबूर करेगा मानने के लिए कि वो सरकार जो आज अत्याचार अन्याय कर रही है, जो कॉरपोरेट के हाथों में खेल रही है, दो चार उद्योगपतियों को, वो सारी चीजें जनता को मिले, जनता का के बीच में सारी सुविधाएं मिले। धन्यवाद। अच्छा जी, जम्मू कश्मीर में लगातार